तेलंगाना देखें न्यूज में आप तमाम के खैर मुकदमे बढ़ते हैं। खबर की जानिब बीआरएस पार्टी की जानिब से गोशा महल हलके के लिए किया गया नंदू व्यास के नाम का ऐलान। बताया गया कि इस मौके पर जश्न का माहौल देखा गया। फौरी तौर पर नंद किशोर व्यास ने जाकर अपनी माँ से आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 50,000 वोटों से वो राजा सिंह को हराएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्क रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज। कार के निशान पर लगा है, एक चेंज लाए। 10 साल बीजेपी को आपने दिया, 10 साल कांग्रेस को दिया, एक बार बीआरएस पार्टी को चांस दे। हम वादा करते हैं रोशामल विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल असेंबली बनाएंगे। बड़े बड़े रोड़ा फ्लाईओवर्स, करप्शन फ्री, जो भी व्यवस्था हम कर सकते हैं मैक्सिमम करेंगे। जो पोल्यूशन वाटर का प्रॉब्लम है उसे जड़ से मिटा देंगे। एवं उस्मानिया हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़े लेवल की, जो भी मेरे भाई गुड़ुम्बा से प्रभावित होकर तकलीफ में है, उन सभी परिवारों के लिए एक 8 एकड़ जमीन में फैक्ट्री लगाकर उनको जॉब दिलाने का मेरा सपना है, उसे मैं जल्द पूरा करने जाऊंगा। उसी तरह जो गणेश बनाते हैं, गणेश की मूर्तियां बनाते हैं, उन सभी को आज किराए की जगह लेकर जो पैसे भर रहे हैं उससे निजात मिलेंगी। 5 से 7 एकड़ जमीन आजू बाजू कहीं भी लेकर सरकार से हमको लॉन्ग लीज पर उनकी समिति को दिलाने का मेरा सपना है। एक मॉडल असेंबली बनाने जा रहे हैं, बहुत भारी बहुमत से हम जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमें जरूरत है सभी आपस में भाईचारे की, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई है, हमें किसी जात पात का कोई है नहीं। मैं चाहता हूँ हमारे विधानसभा में प्यार का माहौल बनाए, प्यार की नदियां बहे, सब मिलजुल कर रहे। मैं पार्टी के सभी सीनियर नेताओं से विनती करता हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। एक्स एमएलए साहब, एक्स कॉर्पोरेटर्स, एक्स चेयरमैन, जो भी डिविजन के प्रेसिडेंट्स, माइनॉरिटी लीडर्स, महिला लीडर्स, जो भी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, व्यापारियों से और जनता से, आप एक बार हमें चांस दे, हमारे लिए काम करे, हमारे बीआरएस पार्टी को मजबूत करे और बीआरएस पार्टी को यहाँ जिताने में हमारा साथ दे। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय जय सियाल, जय जेटिया। आज मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, तेलंगाना भवन में 1:30 बजे के आसपास फोन आया, रमेश रेड्डी साहब बोले अब तो सीएम साहब बुला रहे। फिर खेती रामाराव जी ने हमसे मीटिंग कर